पहले अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया नोएडा में एंड ही इज हियर वो अपनी जॉब करते हैं मेंटल हेल्थ भी है सम ऑफ देम आर आल्सो फेसिंग गेटिंग इश्यूज 16 साल का हो जी इतने कम उम्र में ऐसे चेंजेस देखकर कैसा लगता है अगर इतनी मेहनत जब मैं करती भी थी हम मम्मा और मैं साथ में स्क्रिप्ट रीडिंग्स में मेहनत करते थे ऑडिशन के लिए मेहनत करते थे शूटिंग के टाइम मेहनत करते थे तो यही सपना देखते थे ना कि ऐसा टाइम आए जब सब मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दें मुझे बहुत प्यार दें और अब जो प्यार मुझे मिल रहा है सबसे ऐसा लग रहा है बाहर कोई इनविजिबल एंजल्स बैठे हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग मी दे आर लविंग मी दे आर लाइक ये हमारी नितांशी है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मैं आपसे एक स्क्रीनिंग में मिला हूँ स्पर्श भी थे प्रतिभा भी थी जी। और आ, आप तीनों के साथ हर कोई फोटो निकाल रहा था <laughs> और वहाँ काफी सारे एक्सपीरियंस एस्टेब्लिश एक्टर्स भी थे पर ये है लापता लेडीज का पावर तो जब आप इस फिल्म को शूट कर रहे थे पता था कि ये सब होगा नहीं ये पता था कि बहुत दिल से बना रहे फिल्म बस ये सपना था कि जितने दिल से बना रहे हैं ना ऐसे सब तक बस किसी तरह की फिल्म पहुंच जाए और क्योंकि मैं जगह जगह स्क्रीनिंग्स में भी यही कहती थी कि हम कोई बड़े एक्टर्स नहीं है हम आ, हमने बस ये सपना देखा है कि ये जो फिल्म हमने मेहनत करी है ना वो सब तक किसी भी तरह पहुंच जाए आपके जनरेशन के टीन और मेरे जनरेशन के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा फर्क है क्योंकि आप लोग हम हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो अच्छा डू यू फील दैट अगर इंडस्ट्री वाइज में देखूँ तो जैसे मेरा फर्स्ट डे है मेरे मम्मा पापा का भी फर्स्ट डे है वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर सो हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शायद से सी पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है दे प्रोवली नो द सिचुएशन वे बेटर देन यू डू बिकॉज आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे और वो शायद से कई दफ़ा अपने साथ देख चुके हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अभी न्यू जनरेशन में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी उसमें इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम सब साथ में सीखते हैं और साथ में अब टीन जो थोड़ा अलग तरीके से आइडियाज़ को ब्रेन कर लेते होंगे दिल से अलग तरीके से करते हैं बट द अपर फैक्ट इज दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू लर्न एंड एट द एंड ऑफ द डे सबका कभी ना कभी कोई कोई चीज़ फर्स्ट टाइम तो होती है ऐसी एक्टिंग कैसे सीखी आपने हाँ ये जो क्वेश्चन है ना ये मुझसे जब मैंने ऑडिशन दिया था ना आमिर देवी ऐसे पूछा था कि आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है मैंने कहा नहीं आपने थिएटर किया है नहीं सर तो एज ही नहीं है कि अभी थिएटर कर सकूँ मैं तो कैसे सीखी Uh, मैंने मैंने ना रोज़ फाइव टू सिक्स ऑडिशन देखी दे थी और हर ऑडिशन में इन डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ़ व्यूज़ होते थे कि ऐसा कैरेक्टर है अगर मैं उस कैरेक्टर को ऐसे देख रही हूँ तो कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता था तो फिर उनके तरीके से परफॉर्म करती थी ऐसे ऐसे कर करके मेरा क्राफ्ट अपने आप ही इम्प्रूव होता चला गया और रोज़ फ़ाइव टू सिक्स ऑडिशन दे दे के दे दे के हल्की फुल्की समझ हो गई प्लस शूटिंग पे भी धीरे धीरे लाइटिंग कैसे रखनी है मार्किंग पे कैसे आना है डायलॉग्स सीरियल्स मेक यू लर्न डायलॉग्स द क्विकेस्ट वे पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट दैट मीन माई स्टडीज ऑल्सो क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पाँच पाँच पेज की दो तो दो तो तीन तीन मिनट में याद हो जाती थी मैं बोल बोल के करती थी हो जाता था और फिर मेरे एग्जाम्स आते थे दिन कम बचते थे, थे <laughs> क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती थी और फिर मैं ऐसे ही याद करती थी मेरे फ्रेंड्स वी लाइक मार्क्स कैसे आए ये याद कैसे किया like, तो कि आप हो? पता नहीं टैलेंटेड का मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो मैं परफॉर्मेंस के आ जाती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस कहेगी स्पेशली जो मेरी मम्मा पापा और मेरी नानी कहेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगा दैट्स इट दैट्स द वैलिडेशन फॉर मी बस फिर सब सही है और मैं अभी भी मानती हूँ मुझे तो और चीज़ें सीखनी है और चीज़ें इम्प्रूव करनी है और बेटर बेटर रोल्स करने हैं अपनी फ़िल्मोग्राफी इम्तियाज़ अली सर संजय लीला भंसारी सर राजा हाँ। मौली सर सबकी फिल्मों से अपनी फिल्मोग्राफी से भर देनी है कि हाँ एक एक फिल्म मेरी लोगों को याद रह जाए और अगर मैं सक्सेस की भी बात करूँ ना मुझे लगता है मेरे हिसाब से सक्सेस इज़ कि अगर मैं श्री देवी जी की तरह परफॉर्म करके सबका दिल जीत पाऊँ जिस तरीके से लोग उनसे सिर्फ उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंसेस से इतना अटैच थे अगर मैं उतना सा भी करके लोगों का दिल जीत लूँ ना दैट इज एवरीथिंग फॉर मी तो वो बनना है इस तरह की एक्टिंग करने के बाद अब बदले कैसे आ, इस प्रोजेक्ट के बाद एक्चुअली बहुत चेंजेस आए हैं एक तो मोर ग्रेटफुल मोर थैंकफुल फील हो रहा है ऐसा लग रहा है एक्चुअली Um, एक वो होता है ना कि अब सेल्फ़ बिलीफ पे और हाँ हो रही है कि हाँ एक्चुअली अगर मैं मैं और मेहनत करूँ और मैं खुद पे विश्वास रखूँ तो मैं चीज़ें कर सकती हूँ बिकॉज आई एम समन फ्रॉम नोएडा मेरी फैमिली बैकग्राउंड में दे वॉज मूवन फ्राम हियर सो हमने इन टी वी स्टार्स को सिर्फ फिल्म फेयर अवॉर्ड्स में सैटरडे नाइट पर फैमिली टाइम में देखा है कि हाँ ये लू और अब जब मैं उनसे मिलती हूँ दे आर टॉकिंग अबाउट माई फिल्म इट्स अ बिग थिंग और मेहनती वाली फीलिंग ये आ रही है कि अब इसके बाद मुझे जो भी करना है ना और मेहनत करनी है और उसमें अपने टू सेंस डाले हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस होल जर्नी इट्स लाइक आपको अपने रूट्स याद रहते हैं और आपको ऐसा पता लगता है कि अब हाँ अब अब जो भी करना है बिकॉज मेरी जो जर्नी है ना मैं बहुत सारे यंग एक्टर्स को अब देख रही हूँ कि दे आर टेकिंग इंस्परेशन फ्रॉम माई जर्नी समवेयर कि हाँ अगर ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है तो शायद से हम भी पहुँच सकते हैं और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पहुँच सकते हैं आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो रखिए ही रखिए मैं इस पर इतना बिलीव करती हूँ मुझे ऐसा लगता है हम जो भी कहते हैं ना वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सुन लेता है हमारी दिल की बात भी सुन लेता है और फिर कही कहीं ना कहीं चीज़ें जैसा आप चाहते हो या उससे बेहतर ही होती है मैं मैनिफेस्टेशन सेल्फ बिलीफ हार्डवर्क इन तीनों चीज़ों पर बहुत भरोसा करती हूँ बहुतों से मुलाकात हुई है जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं इस तरह के सफलता देखने के बाद पता है मैंने अपने आसपास पास क्योंकि मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया है ना तो मैंने बहुत सारे बड़े एक्टर्स को देखा है एंड मैन दे रिस्पेक्ट यू और आपको वो चीज़ याद रह जाती है आई एम लाइक हाँ अगर कभी मैं ऐसे मेरे पास ऐसा मौका आए कि मेरे सामने कोई ऐसा इंसान है जो जिसको शायद से ऐसा लगता है कि यू नो दे आर मोर रिस्पेक्टफुल आई एम मोर रिस्पेक्टफुल डेन देम या जो भी है मैं उनको उतनी ड्यू रिस्पेक्ट दूँ और मैं सबके साथ अच्छे से पेश आऊँ मुझे नहीं पता अगर मुझे शायद से पता भी ना लगे मैं किसी का ऐसी दिल दुखा दूँ तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है मैं मेक श्योर करूँगी कि अगर मैंने आपको देख लिया है या मैंने आपसे बात कर ली है या मैं आपको जानती हूँ तो मेरी वजह से आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखना चाहिए आपका नेचर ही है मेरा है ही ऐसा मैं मुझे ऐसा लगता है कि किसी हमारे पास पावर होती है किसी का दिन बनाने की या किसी का दिन बिगाड़ने की अगर किसी इंसान ने मेरी ऐसी तारीफ़ कर दी ना आप बहुत सुंदर लग रही हो और वो वो चले गए मेरे फुल डे दिमाग में रहेगा कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज मैं बहुत अच्छे से तैयार रही हूँ क्योंकि इस रैंडम इंसान ने मुझसे कह दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि शायद से किसी का दिन खराब जा रहा हो अगर मैं उनको ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो शायद से उनका दिन अच्छा चला जाए किसी पे है नहीं नहीं <laughs> <laughs> नहीं, <laughs> नहीं।, <laughs> नहीं, नहीं। See, uh, मेरा बहुत क्लियर मानना है मेरे लिए मुझसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं आपके लिए सच्चा प्यार क्या है मेरे लिए सच्चा प्यार ऐसा प्यार है आप मुझे बताइए मम्मा पापा से ज्यादा सेल्फलेस प्यार आपको और कौन कर सकता है कोई भी नहीं इट्स कोई सेल्फले कोई ऐसा सच्चा प्यार बोलता है मेरे मम्मी मम्मी पापा आते हैं क्योंकि वो इतना काम करते हैं और फिर भी क्या कहते हैं सब कुछ तुम्हारा ही तो है जो मेरा है वो भी मेरा है और जो मम्मा पापा का है वो भी मेरा है तो इतना सेल्फलेस लव जब तक कोई और इंसान आपकी लाइफ में ना करे तो नहीं 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 क्योंकि मेरी मम्मा पापा मैं जैसे आपको बताई थी तो उन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव मुझे तो लगता है पूरी पूरी अपनी लाइफ छोड़ दी है सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मुझे बनाने के लिए और मैं जब आई थी तब तो, तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बस टीवी पे आना था एक्टिंग करनी थी उतने से थॉट को देख के मेरे पापा ने अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया नोएडा में एंड ही इज हियर वो अपनी जॉब करते हैं और मम्मा गवर्नमेंट जॉब उनको मिली थी उन्होंने वो सब छोड़ के शी इज हियर फॉर मी तो इतना इतना प्यार सिर्फ इसलिए कि मुझे एक एक्टर बनना था तो अगर ये है सच्चा प्यार मतलब उसके नीचे You shouldn't settle. What <laughs> teenagers' your life problems with teenagers? What? Mental health. Haan. Actually, mental health is. Some of them are also facing dating issues. Yeh wo, yeh wo. I don't have absolutely no say in this. But if people find it okay for them to get into a relationship, absolutely fine. For me personally, I do not think this is the right time to even. थिंक अबाउट अ बॉय बिकॉज दिस इज़ माई टाइम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ गेटिंग टू नो कि हाँ दिस इज द कांड ऑफ ड्रेसिज़ आई लाइक दिस इज द कांड ऑफ वे आई वॉन्ट टू डू ये चीज़ें करनी आई अभी तो मैं खुद ही को जान रही हूँ तो जब तक आई एम नॉट रियली सिक्योर विद इन माई सेल्फ कि आई नो माई सेल्फ वे बेटर दैन एनी वन एल्स तभी मैं जाके सामने वाले इंसान को भी उतना ही प्यारे अपनी टेंशन दे पाऊँगी सो द डेटिंग इशूज़ आई स्टेप आउट साइ आई एम लाइक आप मामला है आप लोग सुलझा लीजिए बट द मेंटल हेल्थ थिंग इट्स ऑल्सो बिकॉज देर आर मैनी किड्स आते हैं या टीन एजर्स आते हैं दे प्रली सीक वैलिडेशन आउटसाइड उनको ऐसा लगता है कि बाहर से वैलिडेशन चाहिए या कभी कभी इनसेटीज सब में हो ही जाती हैं तो वो थोड़ा इनसिक्योर होने की वजह से वो चीज़ों को ऐसा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि समथिंग एज सिम्पल एज अ पिम्पल दे विल टेक इट वेरी सीरियसली कि ये पिम्पल आ गया ये हो गया वो गया बट आई फील कि अगर जो टीन एजर्स हैं वो देश शुड भी चेंज दे आर वेरी फोकस्ड ऑल माई फ्रेंड्स आर वेरी फोकस्ड उनके पास गोल्स भी हैं अपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए और अपने आप को प्राउड फ़ील करवाइए और जो आपका मन करे प्यार से आराम से वो चीज़ करिए एंड आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ टू नो कि उनके लिए क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ नहीं है जैसे मुझे पता है कि अगर मेरी मम्मा ने मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि ये चीज़ मत करो आई विल नॉट क्वेश्चन बिकॉज आई नो कि मेरी मम्मा मेरे भले के लिए सोच रहे हैं उन्होंने मुझे आज तक वैसे किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया तो अगर ये कोई चीज़ है तो वो मेरे भले के लिए सोच रही होंगी और मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मेरे होता है ऐसा कभी कभी कि आपकी कुछ चीज़ें चल रही है एंड द फ्रेंड्स वाले कि इट्स ओके ना मम्मा थोड़ी ना देखने ट्राई कर लो बट नहीं करना है मम्मा का विश्वास ना तो उनके पीठ पीछे ना कैसे भी तोड़ना ही नहीं है उनको कितना बिलीफ है कि यू नो दिस इज आर डॉटर एंड वी हैव ट्रस्ट ऑन हर बिल्ड दैट ट्रस्ट सबसे बेस्ट एडवाइस किसी फेमस इंसान से सबसे बेस्ट एडवाइस हाँ फ्रॉम सम फेमस पर्सन मिली है, मिली है. <laughs> नाम नहीं लेना यही सच है फॉर इंस्टेंस आमी सर ओनली एक तो ही बिकॉज लाइट आफ्टर ई वॉच द फिल्म अभिवरण भोपाल एंड उन्होंने तभी तभी फाइनल कट हमारी फिल्म का देख लिया था एंड हरिडली कॉल्ड ऑल द एक्टर्स द वे यू एक्टेड इन एवरी सीन ऑफ योर्स योर परफॉर्मेंस इन एवरी सीन इज सो गुड की वॉट यू हैव नू तो द वे टेल्स मी की जो जो शायद से मुझ में उनको पहले मुलाकात में दिख गई थी कि वो इनोसेंस या वो सप्पलनेस ये जैसी भी मैं अभी हूँ मैं ऐसी रहूँ लाइक एट दिस पॉइंट मोर देन एडवाइसिज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ